floor. If you want me to speak. You're right. Okay, yes, Premjit ji. Not working, sir. I know it, but it is not working. धन्यवाद श्रीमान जी, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमान जी, 8 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संदेश दिया और लास्ट मिनट में कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट को डीमोनेटाइजेशन किया जाता है और आज रात को 12 बजे के बाद ये पेपर का टुकड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी से इस प्रकार की स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करना मान्यवर ये एक वाजिब नहीं लगता। एक लीगल डॉक्यूमेंट को, लीगल टेंडर को ये बोलना कि वो 12 बजे के बाद महज एक कागज का टुकड़ा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ये बात देश में और दुनिया में कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा। श्रीमान जी, टेररिज्म, ब्लैक मनी और इस तरह के जो माफियाज का या जो पैसा है उसके ऊपर में लगाम लगाने के लिए आप सरकार कोई भी कदम उठाती है उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने देखा होगा कि हाउस में सभी पार्टीज ने इस बारे में सरकार को समर्थन देने का काम किया, लेकिन जिस प्रकार से इस फैसले को लागू किया गया है श्रीमान जी, उसमें जो 10 महीने की जो मेहनत के बारे में जो बात की जा रही है कि 10 महीने से प्लानिंग चल रही थी, मेरे को नहीं समझ में आया कि वो कौन से प्लानर थे जिन लोगों ने ये प्लान किया। करोड़ों लोगों को सड़क के ऊपर में और एक त्राहिमान स्थिति में छोड़ दिया। किस प्रकार से क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है लोगों की, 4000 रुपया जो है आज एटीएम से 4500 रुपया आदमी निकाल सकता है। हमारे साथी पीयूष गोयल साहब ने कहा, पीयूष जी आपने कहा कि 4000 रुपया 4500 रुपया रोज निकाल सकते हैं, तो जो मजदूर है जिसको 6000-7000 रुपया जो महीने में 10000 मिलता है वो लाइन में लगेगा या पैसा निकालेगा रोज का? उसके उसको अपने बच्चों का पालन करना है, अपने परिवार का पालन करना है, अगर वो रोज लाइन में खड़ा होगा और रोज उसको मिलेगा नहीं, उसको हफ्ते में एक बार मिलेगा। 6000 कमाते हैं तो 4500 रोज कैसे निकालेगा? नहीं नहीं, 6000 हफ्ते में कमाता है कोई तो वो कैसे निकालेगा, आप ये तो बताइए ना। वो क्या बात करते हैं जी, आप एक समृद्ध परिवार से आते हैं, आप अपनी स्थिति को सोच रहे हैं, आप उस आदमी की स्थिति को सोचिए जिसको रोज मेहनत करके अपने परिवार को पालन करना होता है। श्रीमान जी, आज स्थिति ये है, अभी किसान के पास में बीज का पैसा नहीं है, किसान के पास में फर्टिलाइजर खरीदने का पैसा नहीं है। 4000 ट्रक हमारे यहाँ पूरे देश में कन्याकुमारी से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वेस्टर्न सेक्टर से गुजरात से असम गुवाहाटी आगे तक, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या कैरी कर रहे हैं? फ्रूट, वेजिटेबल, जैसे हमारे साथियों ने कहा, कोई फिश लेके जा रहा है, कोई मीट लेके जा रहा है, कोई कुछ लेके जा रहा है, उनकी पेरिसेबल लेके जा रहा है, उनकी क्या स्थिति है? ये आपके कौन से प्लानर थे, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूं। 10 महीने और फिर अगर 10 महीने से प्लानिंग चल रही थी
तो आपके नए गवर्नर साहब ने दस्तखत कैसे किए 2000 रुपए के नोट पर? अगर ये 10 महीने से प्लानिंग चल रही थी तो उर्जित पटेल साहब जो गवर्नर है रिजर्व बैंक के, उन्होंने कैसे दस्तखत किए? और आपके सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स वो बोलते हैं कि अगर पानी लगा के रंग उतर जाता है तो इसका मतलब वो नकली नोट है, वो असली नहीं है। अच्छा जो निकल जाता है वो असली है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। तो मान्यवर आप क्या कि देश को किस स्थिति में लेके जाना चाहते हैं? मतलब देश में कियोस पैदा करने के अलावा और क्या काम कर रहे हैं आप लोग? श्रीमान जी, कैश इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी दो अलग अलग चीजें हैं। जो कैश इकोनॉमी है जिसको महीने में 20,000 रुपया, 15,000 रुपया, 25,000 रुपया, 10,000 रुपया मिलता है, वो बैंक में जाता है, अपने 10,000 जमा कराता है, 10,000 रुपया 5,000 रुपया निकाल के ले आता है, अपने 2-4-5 रोज का खर्चा चलाता है, फिर बैंक में जाता है। तो इस तरह से आपने पूरे देश को त्राहिमान कर दिया है। बैंकों की स्थिति बता रहा हूं मान्यवर, माननीय रविशंकर प्रसाद बैठे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मसौढ़ी में ब्रांच है पटना के बराबर में, वो एक पैसा जमा नहीं कर रहे और एक पैसा विड्रॉ नहीं करवा रहे। आप एटीएम की बात कर रहे हैं, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो ये क्या प्लानिंग है आपकी? आप खड़े होके, ठीक है प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेप लिया, आप पूरे देश को दुनिया को एक मैसेज ये इंप्रेशन दे रहे हैं, अगर सभी लोग अगेंस्ट है इस काम के लिए, आपके इस मूव के, ये आप देश के साथ एक बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। देश का माहौल खराब मत करिए, देश का माहौल खराब करेंगे, यहां पर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है प्रधानमंत्री जी देश देश घूम के, और जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एफडीआई की बात कर रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन मत करिए कि इस देश में सब चोर बैठे हैं, सब कालाबाजारी बैठे हैं, सब ऑफिसर्स हमारे करप्ट है, सब पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट है। आप ये इंप्रेशन मत दीजिए। ये इंप्रेशन देंगे आप तो आप देश का हित कर रहे हैं। आपने आपने कभी देखा है छोटे दुकानदार जो है, प्रफुल्ल भाई ने जैसे बताया, आगे जो हफ्ते में जो फेरी वाले मार्केट लगते हैं, उन लोगों का क्या होगा? कश्मीर से जो फ्रूट चल रहा है उसका खरीदार नहीं है, बाजारों में सब्जियां सड़के जा रही है। आपने 2000 रुपए का नोट दे दिया, अब 2000 रुपए का नोट आपको तो किसी को 1 किलो दूध लाना है तो वो बाकी पैसे कहां से लेके आएगा? आपकी जो ये प्लानिंग है ये बहुत ही मिसकंसीव्ड प्लानिंग है। आपने गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, आपने छोटे व्यापारियों का आपने कोई ध्यान नहीं रखा, आपने उनका बड़ा अहित किया है। आज आप जाइए बाजार में, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़े विद्वान हैं, वो ठीक है, लेकिन आज आज के रोज वो है विद्वान। आपने देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको चरमरा दिया है, और अगर आप इसको इमीडिएटली वार फुटिंग में इन सब चीजों से, पॉलिटिकल सिस्टम से ऊपर उठ के अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो देश का बड़ा अहित हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में भी जा सकती है, आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, व्यापार नहीं होगा,
जब कुछ होगा नहीं, अर्थव्यवस्था में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कैसे सोचते हैं कि सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और एक पॉलिट और अपने अलावा दूसरे लोगों को आप ब्लेम जो करते हैं। बिहार में चुनाव हुए, आपकी एक एक मीटिंग में 10-10 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, आपने किस क्रेडिट कार्ड से पे किया वो बताइए। 2,000 बसें लोगों को ढोके ला रही है और उनका खाना चल रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, अभी गाजीपुर में हुआ है। तो आप ये बताइए किस क्रेडिट कार्ड से आपने पे किया। श्रीमान जी, हमारा देश अमेरिका या यूरोप नहीं है। यहां पर जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से मान्यवर माताएं और बहनें अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए 100-100 रुपया, 200-200 रुपया, 50 रुपया अपनी सामर्थ्य के हिसाब से बचाते हैं। गुप्ता जी, दूसरी बात जी, प्लीज, मैं जो बोलना चाहता हूं वो बोलना चाहता हूं, आगे जो आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं आगे काले धन या नक्सलिज्म के लिए या इसके लिए या क्रॉस बॉर्डर के उसके please, लिए please. या नकली करेंसी के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पूरा देश आपके साथ है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि खाली आप जो है आम जनता को तकलीफ में डाल के और आप कुछ काम कर लेंगे। अगर आपको करना था तो आप बड़े हायर लेवल के ऊपर में करते, आपको गरीब आदमी को मारने की क्या आवश्यकता थी। और जो गांव में रविशंकर प्रसाद जी, जो इंटीरियर में जो स्थिति है मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चेक कर लीजिए। मध्य प्रदेश में माननीय अभी आपके शहडोल में चुनाव है, प्लीज गुप्ता जी, लोकसभा प्लीज सर, एक मिनट प्लीज, सर लास्ट यस्टरडे, एक मिनट, that there shall not be a time limit at all, yes, as far as this discussion is concerned. I have repeated it 3 times. Then the minister concerned, the parliament minister, said we take the truth and we see to that that all the expression is given, full expression, all people are given. Dr. Rao, and please. This morning also, this morning, some gentleman came and said 3 days restriction. Kindly listen. Sir, yeah, please. Sir, I will, one moment. Sure. Sir, I will be very sure. No, 1 minute. Dr. Rao, there has been a time allotted to every party and every group. And listen, one moment. We are very much, see, the chair is, listen, please. Why don't you listen, please? The chair is, Mr. Gupta, please. The chair is very gracious. For 10 minutes, member, we give 20 minutes. And for him, it is 8 minutes. Now he has spoken for 12 minutes. So the chair is very gracious. Don't say that we are restricting. Please. Sir. Understand. Please. Sir, aap to humari soch ke aadmi hai. Aap se umeed hai ki aap bolne ka mauka denge. Shrimaan ji, main bol raha tha. आगे गांव में और इंटीरियर में जो स्थिति है उससे आप लोग अवगत अपने नेताओं को, अपनी पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को जरूर अवगत कराएं। शहडोल में सर लोकसभा का उपचुनाव है और मेरे को किसी ने बताया, जो वहां का रहने वाला है, जो हमारे वकील भी है, बताया कि आपकी पार्टी के लोग वहां गए और नारेबाजी की, तो गांव वालों ने उनको बुलाया, उनको बिठाया और उनकी पिटाई की, मुर्गा बनवाया और फिर नारे लगवाए उल्टे, क्या बोले असली नारे ले। जो सच्चाई है बॉस, जो रविशंकर जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, इज ए मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसको चेक करवा लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपके सामने एक वास्तु स्थिति को रख रहा हूं। थैंक यू, देश की क्या भावना है, देश में क्या हो रहा है, पूरा ट्रेड, पूरा किसान जो है वो बहुत तकलीफ में है। श्रीमान जी, अगर तुरंत इसका कुछ न कुछ समाधान नहीं किया गया
तो वो स्थिति एक अनार्की की स्थिति हो जाएगी और इसमें जो है पूरे देश में दंगे फसाद हो सकते हैं और भी क्या हो सकता है ये आप सोच लीजिए और आप ऐसा इंप्रेशन मत करिए दीजिए आगे जैसे आप कोई काले धन के साथ लड़ाई करने के लिए पैदा हुए हैं हम लोग भी सब इस मामले में बहुत ठीक है तो श्रीमान जी प्लीज प्लीज वाइंड मैं इतना बोलकर आपसे आपका धन्यवाद करता हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच प्रेम कुमार